हेलो दोस्तों, तो आज का प्रीमिक शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। सबसे पहला क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायो रॉक टेक्नोलॉजी। अगर आप हमारा प्री क्योर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, बायो रॉक बेसिकली उस सब्सटेंस को रेफर करता है जो कि इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन सी वाटर उससे बने, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंस्टॉल की गई है गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। तो आई होप आप अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए। और आपका आंसर है ओनली वन, यस, बायो रॉक जो है ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स डिजॉल्व इन सी वाटर से बनता है, लेकिन ये गल्फ ऑफ खंबात से एसोसिएटेड नहीं है, गल्फ ऑफ कच्छ से एसोसिएटेड है, राइट। तो इवन इफ आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ये छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हो, तो इनका आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस पूरे सॉल्यूशन को एक बार पढ़ सकते हो, राइट। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, एक बायर और टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं कि सी वाटर जो है आपका, है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देते हैं, राइट। और उससे जो भी डिजॉल्व मटेरियल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं इवेंचुअली, राइट। और ये जो मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं इवेंचुअली कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की ट्रांसफॉर्मेशन है ये इवेंचुअली उनको कोरल रीफ्स बनने में मदद करती है, क्योंकि अगर आपको कोरल रीफ्स पता है तो आपको पता होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, राइट। तो ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं आपके, राइट, ये आपकी बायो रॉक्स हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा प्रोसेस है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्ट वाटर में पास करा रहे हो, राइट, टू बी वेरी प्रिसाइज सी वाटर में, राइट, इन पर्टिकुलर क्रिस्टल्स को आप बायो रॉक्स कहते हो। और ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रिक करंट्स को पास कराने का, उसको इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हो, इवन इफ यू न्यू दिस, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टर्म आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यूजली अगर आप साइंस स्टूडेंट होते हो तो आपको ऑलरेडी पता होती है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे डेफिनेटली याद रखेंगे। और दूसरा क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ की जहां बात हुई है, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, इनमें से कौन से इनकरेक्टली मार्क्ड है, 38th पैरेलल, 49th पैरेलल, दुरंद लाइट एंड रैटक्लिफ लाइन। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना कि ना, इसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि प्रेजेंटली है या नहीं है, बस आपको बेसिक एसोसिएशन पूछनी है, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इसका तो चलो वी डिस्कस आंसर्स, कई ऐसी पैरेलल्स हैं या कई ऐसी लाइंस हैं जो कि शायद वर्ल्ड वॉर के समय एग्जिस्ट करती थी पर अभी नहीं एग्जिस्ट कर रही, बट आपने वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ी होती हैं। तो ऐसी लाइंस भी आप गलत इसलिए मार्क नहीं कर सकते कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन में यदि पूछा प्रेजेंट एग्जिस्टेंट तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि सिर्फ एसोसिएशन पूछे ना, इट कुड बी एसोसिएटेड अभी भी और पहले भी अगर एसोसिएटेड थी, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट। ऑल्सो जो ये दुरंद लाइन की बात हो रही है, इस पर तो डायरेक्टली क्वेश्चन, सॉरी नॉट दुरंद लाइन, रैटक्लिफ लाइन पे शायद डेफिनेटली एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, तो वन और टू इनकरेक्टली मैच्ड है, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, सिंपल था। चलो अगले सवाल पे आते हैं। द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स आर अ सीरीज ऑफ लेक्स जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नाउ अगर आपको याद हो, एक दो हफ्ते पहले हमने ब्लू नाइल पे डिस्कशन किया था, ग्रेट रेनेसा डैम पे, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेट लेक्स सिर्फ और सिर्फ यूएस कनाडा वाले रीजन की बात नहीं है, बट ये अफ्रीका में भी लाए करते हैं। तो ये तीनों लेक्स आपको पता होने चाहिए, तो लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिया, राइट, लेक मलावी एंड लेक बेकॉल, इनमें से कौन सा नहीं है। वेरी सिंपल, अगर मुझे तीनों लेक्स नहीं भी पता ना तो भी मुझे पता होना चाहिए कि लेक बेकॉल जो है वो रशिया में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है। तो ये तीनों भी आप याद कर लेंगे, एंड यू विल ऑल्सो रेफर टू लेक बेकॉल विच इज़ इन रशिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, जो ग्याज साइट्स हैं इंडिया में ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ GIHS जी जो ग्याज सिस्टम है, इस पे यूपीएससी में दो साल कंटिन्यूस क्वेश्चन आया है प्री में, राइट। सो यूजली क्या होता है, हम इसको पढ़ लेते हैं बट हमें साइट्स के बारे में पता नहीं होता। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू कि ये तीनों साइट्स ही आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कौन सी ग्याज साइट्स हैं इंडिया में, कुटनाड, राइट, विच इज़ इन केरला, कोरापुट विच इज़ इन उड़ीसा, पंपोर विच इज़ इन कश्मीर। तो ध्यान देखना, दो लेवल्स पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, पहली कि कौन सी साइट है और दूसरा कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। कभी कभी उसके भी मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं।
या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोहेरिक. एंडोहेरिक क्या होता है कि ऐसे सीज जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरे हों, राइट, और ये इनका कोई भी आउटलेट जो है वो किसी ओशन में नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी क्यों, अगर आप कैस्पियन सी को देखो तो क्या इसका कोई भी आउटलेट किसी और सी या किसी और ओशन में आ रहा है? नहीं ना. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एंडोहेरिक. जब आप इंडिया भी पढ़ते हो तो इंडिया में बहुत सारी एंडोहेरिक लेक्स भी हैं जो कि कंप्लीटली वहीं पर लाई करती हैं. दे आर लॉक डाउन बाय लैंड चारों तरफ से और वो किसी सी या ओशन में नहीं गिरती है. ठीक है, तो दो नए कॉन्सेप्ट्स आज हमने सीखे, एक गियाज के बारे में, एक हमने एंडोहेरिक के बारे में, और जो बाकी तीन क्वेश्चंस हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप पढ़ लेंगे. ठीक है जी, चलो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. आई होप आपने अपनी 2 मिनट सीरीज और करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं जो प्री क्योर है आपका. एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क यू कैन ऑलवेज मेल अस एट sleepy.classes@gmail.com. ठीक है जी, चलो देन, ओके दोस्तों, बाय बाय.